रेजोनेंस हम लोगों का इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। केमिस्ट्री के लिए रेजोनेंस एक कॉम्पिटेटिव टॉपिक भी है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितना रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा स्टेबल होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, इस तरह करके रहता है। तो कई सारे क्वेश्चन इस पर जो है हमारा आता है। और क्लास ट्वेल्थ का अगर देखें तो हम लोगों का जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट है उन सब में रेजोनेंस पढ़ना है, सबका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, उसमें रेजोनेंस हम लोगों को इस्तेमाल करना है। तो रेजोनेंस क्या होता है, ये वे ऑफ डिस्क्राइबिंग है किस चीज का, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। हर मॉलिक्यूल का हमारा एक से अधिक लिविस स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर हम कहें HCl, HCl का एक ही लिविस स्ट्रक्चर होगा, यही इसका रेजोनेंस नहीं करना है। तो ऐसा अगर कोई मॉलिक्यूल है या आयन है जिसका एक से अधिक लिविस स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है रेजोनेंस का। द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, जिसमें कुछ खास मॉलिक्यूल्स या आयन्स होंगे, वेयर बॉन्डिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। जो बॉन्डिंग हो रहा है लिविस स्ट्रक्चर के दौरान, हम लोग कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, यही सारे बॉन्ड दिखाते हैं। वेयर बॉन्डिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाई अ सिंगल लिविस स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर से अगर हम बॉन्डिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो जो तरीका है उस तरीका को कहते हैं रेजोनेंस। जो इस सिंगल स्ट्रक्चर हमारा आता है उसको हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और जो कॉमन हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसको कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं SO2, इसका हम लोग लिविस स्ट्रक्चर देखें। सल्फर है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा कर रहा है। सेम मैनर इसमें भी कर लिया, लेकिन एक स्टूडेंट ने क्या किया, इस सल्फर का जो है 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इस ऑक्सीजन से ले लिया और यहाँ पर पार्शियल शेयरिंग किया। किसी ने क्या किया कि इसके ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का शेयरिंग किया और इसके साथ पार्शियल शेयरिंग कर दिया। ये ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ये 1 है, तो ये भी स्ट्रक्चर सही है, ये भी स्ट्रक्चर सही है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है हमारा कहा जाएगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और जब हम लोग ऐसे कंडीशन में आते हैं कि हमारा एक लिविस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्ट्रक्चर और सही स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हमें एक ऐसे मेथड का जरूरत है रिप्रेजेंटेशन का जो दोनों के प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कर सके। अब दोनों के प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं रेजोनेंस। इसका हम लोग बॉन्डिंग बनाएंगे तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हमारा लिविस स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट होगा। दोनों ही स्ट्रक्चर हमारा सही है, तो ये हमारा सिंगल सिंगल का आ जाएगा कैनोनिकल। और एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दोनों को एक्सप्रेस करेगा उसको हम लोग कहेंगे कॉमन हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, कभी ये डबल बॉन्ड है, कभी ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जा रहा है, कभी हमारा इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कभी इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए इसको पार्शियल डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये हमारा कहा जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो ये बता रहा है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड ये भी है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ये भी रखा है। ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2, ये हमारा हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस से जुड़ा हुआ कुछ जो है की पॉइंट्स हमारा क्या आया, पहला कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल टर्म है।
मतलब इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर थोड़े समय के लिए दूसरा स्ट्रक्चर उसके बाद है। जैसे हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म में पढ़ा कि दो स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करता है, तो वैसा केस इसके साथ नहीं है। रेजोनेंस पूरी तरह से हाइपोथेटिकल टर्म है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है हमारे अपने समझ के लिए इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा है कि ड्यूरिंग रेजोनेंस पोजिशन ऑफ एटम्स, यानी एटम्स सारे स्ट्रक्चर में एक ही पोजिशन पर रहेगा, एटम का पोजिशन नहीं बदलेगा, क्योंकि एटम का पोजिशन अगर बदल गया वो मेरा हो जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो वो हो गया हमारा आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो रेजोनेंस के दौरान हमें एटम का पोजीशन चेंज नहीं करना है, साथ ही साथ लोकलाइज्ड सिग्मा बॉन्ड भी जो है, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, उसको भी जो है चेंज नहीं करना है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमारा कुछ नहीं होगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमेन्स सेम इन इच स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर में सिग्मा इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं रहेगा। यानी कि ये जो रेजोनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है ओनली डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेशन से ही क्लियर है कि डिस्क्राइब करना है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है वो जो दो अलग अलग जगह पे अवेलेबल हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट करना है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पहला जो सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो वहीं रहेगा, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करा दिए तो वो हमारा हो जाता है हाइपर कंजुगेशन। हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स को केवल मूव कराना है, ओनली डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो रेजोनेंस, उसी को हमको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन करना है। अब इसके अंदर हमारा डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हमारा नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई लोन पेयर हो सकता है, ये हमारा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में हमारा डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर या फिर कोई नेगेटिव चार्ज, ये तीनों आ सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम इन इच स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो सेम रहेगा। जैसे अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड बच जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जा रहा है, अगर ऐसा कोई है तो हमारा जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए, वो कम बेसी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या भी नहीं बढ़ना है, बाहर से भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। अगर पूरा मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल है तो इतना ही प्लस आएगा और उतना ही माइनस आएगा कि जोड़ने पर न्यूट्रल हो जाए, यानी कहीं अगर एक प्लस आ रहा है तो दूसरे जगह एक माइनस आएगा। अगर पूरा मॉलिक्यूल जो है निगेटिव चार्ज है तो हमारा जो चार्ज आएगा वो पूरा ओवरऑल चार्ज हमेशा निगेटिव होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस, तो इस तरह मेंटेन करेंगे। हमारा चार्ज भी नया नहीं बनेगा। रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस करता है उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ बिकम इक्वल, जितना भी बॉन्ड लेंथ है वो सब इक्वल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अभी देखें सल्फर का। अब सल्फर अगर ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म है तो इसमें हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ दोनों का जो बॉन्ड लेंथ होगा ये कम बेसी होगा, यहाँ पर भी कम बेसी होगा। लेकिन इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ जो बॉन्ड आ रहा है और यहाँ जो बॉन्ड लेंथ आ रहा है वो दोनों सेम हो जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ सेम कर दिया जाता है। जितने स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और जो जो बॉन्ड रेजोनेंस में भाग लिया है वो सब एक बराबर हो जाए। तो वही है, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ बिकम्स इक्वल। नेक्स्ट है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज लोअर एनर्जी। यहां जो हमारा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका एनर्जी एनी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म कम होगा, इसका एनर्जी हमारा कम होगा। और जब किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होता है तो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, पूरा केमिस्ट्री इसी पर काम करता है। कोई भी ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है उसमें कभी भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेस रिएक्टिव, लेस एनर्जेटिक, ठीक है, मोर स्टेबल बनेगा, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज वो नॉन स्पॉन्टेनियस में आ जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जिसके होने का नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, स्पॉन्टेनियस का मतलब जिसके होने का नेचुरल टेंडेंसी है।
तो यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का लोअर एनर्जी होता है, एनर्जी लोअर हुआ स्टेबिलिटी हाइयर हुआ, एंड हाइयर स्टेबिलिटी देन एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। यही बात हमारा जो है बेंजीन के केस में भी काम करता है। बेंजीन का एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पर है, एक अल्टरनेट छोड़ छोड़ कर हमारा डबल बॉन्ड होता है, तो ये पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दूसरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ एक छोड़कर फिर यहाँ फिर एक छोड़कर फिर यहाँ, तो ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, और ये जो तीसरा बनाया गया ये है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें कहा गया कि सब जो बॉन्ड है यानी कि यहाँ का जो बॉन्ड है वो भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल का मतलब आधा डबल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ये पार्शियल, ये पार्शियल, ये पार्शियल। अगर सिर्फ एक स्ट्रक्चर को हम लोग कंसिडर करें तो ये हमारा हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर है तो ये एडिशन रिएक्शन इजीली करना चाहिए था, लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं के बराबर करता है। अगर इसको हाइड्रोजन देंगे तो हमें बहुत मुश्किल से रिएक्शन ये कराना होगा कैटलिस्ट वगैरह डालकर, तो हमारा ये रेजोनेंस के वजह से इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। तो यही चीज कहा गया कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर कोई भी होगा उससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका एनर्जी इन दोनों में से किसी एक से कंपेयर करेंगे तो एनर्जी कम आएगा, इसका स्टेबिलिटी इन दोनों में से किसी से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा आएगा। हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, जैसे किसी का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और किसी का 4, तो 5 वाले जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, 4 वाला कम स्टेबल होगा। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हायर विल बी स्टेबिलिटी। जो हमारा 9th पॉइंट है वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर विथ निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, अगर हमारे किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 एटम है, एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले पर जब निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले पर अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सवाल आ जाता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, अगर हम लोग पूछें कि ये दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके ऊपर जब निगेटिव चार्ज है ये ज़्यादा स्टेबल है। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा निगेटिव चार्ज होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा, अपोजिट चार्ज एक प्लस और एक माइनस अगर आ रहा है तो उसको एडजेसेंट एटम पे रखेंगे, यानी कि पहला एटम पर प्लस है तो जस्ट बगल वाले पर माइनस, पहला बगल पर अगर माइनस है तो जस्ट बगल वाले पर प्लस। अब अगर ऐसा केस है वो भी स्टेबल है, अगर सेम चार्ज है तो उसको जितना पार रखेंगे वो ज़्यादा स्टेबल है। तो नीचे के जो पॉइंट्स हैं यहाँ के बाद 5 के बाद, ये हमारा स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ जितना क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने में मदद करता है, कि हम इसी के बेसिस पर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं।